उदयपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, थाना अध्यक्ष उत्तम सिंह सहित 6 जवान घायल। पुलिस को हिस्ट्री शीटर रणिया के घर आने की मिली थी जानकारी, छापा मारने पहुंचे पुलिस टीम को गांव वालों ने घेरा। रणिया गैंग ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, हमले में घायल पुलिस वालों को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। दिल्ली के नरेला में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग, हमले में 3 लोगों को लगी गोली। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार हमलावर हुए फरार, लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के बेगूसराय में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश विवेक कुमार उर्फ बटोही की मौत, 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस को कई हत्याओं में बदमाश बटोही की तलाश थी, घर की तलाशी में पुलिस ने एक कार्बाइन और एक पिस्टल बरामद किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन में अब एलईडी टीवी की खरीद का मामला जुड़ा, बाजार से कई गुना ज्यादा कीमत देकर 10 टीवी खरीदने का आरोप। बीजेपी नेता हरीश खुराना का आरोप, केजरीवाल के घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी खरीदे गए और हर टीवी पर करीब 6 लाख का कमीशन दिया गया। हरीश खुराना के मुताबिक एक टीवी खरीद 10 लाख में खरीदे गए, जबकि बाजार में जिसकी कीमत 3,98,000 रुपए है। सीएम आवास के कमोड की कीमत भी चौंकाने वाली, 2 बाथरूम में लगे हैं करीब 8,55,000 रुपए के कमोड। केजरीवाल के सरकारी आवास के खर्च पर एक और खुलासा, देसी मकराना मार्बल लगाने की सलाह दरकिनार कर वियतनाम से मंगाए गए थे ड्यूअल पर्ल के मार्बल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी से मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला, राउज एवेन्यू कोर्ट में पिछली सुनवाई में सुरक्षित रखा गया था फैसला। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई गई। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद आएगा फैसला, सीबीआई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। एक्टर सूरज पांचोली हैं खुदकुशी के उकसाने के मुख्य आरोपी, जिया खान के 6 पन्नों के नोट के आधार पर बनाए गए आरोपी। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक में धुआंधार चुनावी प्रचार, सुबह 11 बजे धारवाड़ के नवलगुंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह दोपहर 1 बजे लक्ष्मेश्वर में करेंगे जनसभा, हंगल के अक्की अलूर में 3 बजे करेंगे रैली को संबोधित। अमित शाह शाम 5 बजे हरिहरा में करेंगे जनसभा, शाम 6:30 बजे एक रोड शो भी करेंगे। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संभालेंगे प्रचार की कमान, चिकमंगलूर में दोपहर 12:20 पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा शिमोगा में पार्टी ऑफिस में दोपहर 2 बजे करेंगे पब्लिक मीटिंग, म्यूनिसिपल ग्राउंड में दोपहर 3 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी पर जहरीला बोल बोलकर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे, स्मृति ईरानी ने कहा कि यह विष गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। बवाल बढ़ने पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई, कहा मेरा बयान पीएम मोदी के लिए नहीं था, मेरा मतलब बीजेपी की विचारधारा से था। राहुल गांधी आज कलबुर्गी और कुप्पल में संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान, सुबह 11:30 बजे कलबुर्गी में जेवारगी में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी दोपहर 3:15 बजे कोप्पल के कुश्तागी में रहेंगे, महिलाओं के ग्रुप से करेंगे संवाद। कर्नाटक की जनता से गुरुवार को राहुल गांधी का वादा, सरकार बनी तो मछुआरों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त कर दिया जाएगा और डीजल पर 25 रुपए प्रतिदिन सब्सिडी मिलेगी। कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की अमित शाह की शिकायत, कांग्रेस पर दिए गए बयानों का हवाला दिया। पीएम मोदी आज देश को 100 वाट के 91 FM रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर का तोहफा देंगे। देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिले को मिलेगी FM रेडियो ट्रांसमिशन की सुविधा। दिल्ली में शांघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की आज बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री बैठक में होंगे शामिल। शांघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले गुरुवार को दिल्ली पहुंचे चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। माफिया अतीक अहमद और अशरफ मटर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अब SC ST एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई, जया पाल ने धूमनगंज थाने में तहरीर दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,355 नए केस दर्ज, 26 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 865 नए केस दर्ज हुए हैं, पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। मुंबई में भी धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 135 नए मामले आए सामने, एक कोरोना पीड़ित की मौत। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 383 नए केस सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। सूडान के वाडी सीडना एयरवेज से रवाना हुआ भारतीयों का 8वां जत्था, CJ-130J विमान में 121 भारतीय नागरिक निकाले गए। सूडान से लौटे गोरखपुर बस्ती मंडल के 31 नागरिक, योगी सरकार ने AC बसों और लग्जरी गाड़ियों के सभी को घर तक पहुंचाया। सूडान में छिड़े गृह युद्ध के बाद नागरिकों का पलायन जारी, मिस्र की सीमा पर हजारों की तादाद में पहुंचे सूडानी नागरिक। सूडान में गृह युद्ध के बाद पेट्रोल और खाने की किल्लत, पेट्रोल पंप्स के सामने लोग 3-3 दिन से पेट्रोल के लिए कतार में खड़े हैं। यूक्रेन के मिकालोवाई पर रूसी हमला, 1 शख्स की मौत, 23 नागरिक जख्मी। RBI गवर्नर का बयान, भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, वैश्विक घटनाओं का इस पर कोई असर नहीं होगा। टाटा स्टील में ANB ग्लोबल माइनिंग के साथ व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। IPL में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के होंगे आमने सामने, मोहाली में होगा मैच, शाम को 7:30 बजे का मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रन से हराया, पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची राजस्थान। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दिया था 203 रन का टारगेट, चेन्नई की टीम 170 पर ढेर। बिपाशा बासु ने बेटी देवी के साथ वीडियो किया शेयर, डांस करती नजर आई माँ बेटी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।